यहाँ पर भाई सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। आ जा रही है, चोट और लगी पैर में। नाइन आर ब्रिज जैसे। ओके थैंक यू स्तुति। इतने खूबसूरत नजारा है, मन ही नहीं कर रहा कैमरा ऑफ करूं। यहाँ से गिरा तो नीचे ही मिलूंगा सीधा, मिलूंगा के भी नहीं मिलूंगा। पहला व्यू यहाँ से नाइन आर ब्रिज का। भाई पहुंच गए भाई पहुंच गए। भाई वेट कर रहा था एक घंटे से, बारिश नहीं रुक रही यार। अब पूरा जंगल में से जाना है तो जल्दी निकलता हूँ भाई, पूरा जंगल है ये। तो भाई अब यहाँ से बस पकड़े निकलते हैं एला सिटी के लिए। अभी 9 आर के लिए मैंने देखा था ट्रेन आती है, साढ़े 3 बजे आती है। तो अभी सिटी जल्दी उठाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि वॉक करके ही चलते हैं, क्योंकि पिक मी एक्स्ट्रा टुक टुक तो बहुत ही महंगा दिखा रहा है, 1000 रुपये के आसपास दिखा रहा है। तो चलो बस का वेट करते हैं और बस से निकलते हैं एला सिटी के लिए। एला में आपको हर जगह के लिए आराम से बस मिल जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ 9 आर ब्रिज, एला में आ गया था सिटी के अंदर। अभी 9 आर के लिए बस का वेट कर रहा हूँ। तो भाई ये बारिश तो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, बस से मैं आ गया था तो एक बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है 9 आर ब्रिज के लिए। तो अभी मैं 9 आर ब्रिज पर जा रहा हूँ। वीडियो फ़ोटोज़ में तो बहुत देखा है, अब देखते सामने से कैसा दिखता है। अरे कुछ ऐसा रास्ता है बिल्कुल जंगलों के बीच में से शॉर्टकट, ये नीचे आना पड़ेगा रोड से। यहाँ पर भाई सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। ये देखो भाई बिल्कुल बड़े बड़े पेड़, पता नहीं यहाँ पर कोई है नहीं है क्योंकि आज बारिश है, तो हो सकता है कि कम लोग आए हों। यहाँ से जाता हुआ तो मैं अकेला ही दिख रहा हूँ। आज का दिन है बारिश से काफ़ी डिले हो गया और एक बहुत ही ख़तरनाक काम हो गया। यहाँ तो मन ही नहीं कर रहा यार कैमरा ऑफ करूँ, इतने खूबसूरत नज़ारा है कि मन ही नहीं कर रहा कैमरा ऑफ करूँ। बस कोई सांप सूप ना टकरा जाए यार। पूरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, बढ़िया ट्रेल बना रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये बारिश है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ अगर ये बारिश ना हो तो आराम से जा सकते हैं। हाँ जा रही है, चोट और लगी पैर में। बस आ रही थी उसको बचाने के लिए पीछे हुआ और पीछे खड्डा था, खड्डे में जाके गिर गया। पर चलो कोई नहीं, ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो यार ऐसी सीनरी देखने के लिए तो लोग एला आते हैं यार, तो ज़बरदस्त सीनरी है यहाँ की। थोड़ा स्लिपरी हो रहा है ये, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत है। बारिश भी बिल्कुल कम होती जा रही है। एला में यार ट्रांसपोर्ट बहुत ठीक है, हर जगह जाने के लिए, साइट सीइंग जाने के लिए बस अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40-50 रुपए में हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। और ऑटो देखोगे तो 1000 रुपए से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। ये मैं आ गया नीचे कि नीचे भाई कोई नारियल वारियल बेच रहा है कि यार ये कोई 9 आर वाले आते होंगे घूमने के लिए तो वही जाते होंगे यहाँ पर, और तो कौन आता होगा यहाँ पर, उन्हीं के लिए खोल रखा है। होए होए क्या नज़ारा है भाई। इधर ही शॉप बना रखी है, टेस्ट वगैरह करना हो किसी को। 9 आर ब्रिज जैसे। ओके थैंक यू स्तुति। इसके लिए वेट कर रहा था मैं सालों से।
ये सबसे पहले 9 आर ब्रिज मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो में देखा था, ह्यूगो अलेक्जेंडर करके, 2017 में। और आज 2023 में मैं जा रहा हूँ 9 आर ब्रिज पे। हालांकि मैं क्रॉस भी करूँगा इसको, जब मैं ट्रेन से जाऊँगा एला से नवारा लिया तो मैं इसको क्रॉस भी करूँगा, बट बाहर से देखने का मज़ा भी अलग है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। पूरा जंगल होगी बीच में से। इस शॉर्टकट के लिए वैसे ज़रूरत नहीं है बस लेने की, एला सिटी से 1 किलोमीटर के रेंज में ही है। गूगल मैप पे तो 2.5 किलोमीटर दिखाएगा ये। ओ भाई साहब, एला के जंगल यहाँ। मुझे जंगली जानवरों का तो ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा, लेकिन सांप वगैरह का या बिच्छू वगैरह का डर लग रहा है। और सबसे ज़्यादा तो डर मुझे लग रहा है जॉक का। कल सुबह भी मेरे एक रूम में आ गई थी, जब मैं उठा सुबह तैयार व्यार होकर निकलने लगा तो देखा तो भैया बेड के पास जॉक घूम रही है। वो तो शुक्र है कि चिपकी विपकी नहीं। ऐसे घने जंगलों में अकेले चलने का भी यार एक्सपीरियंस एक अलग ही है। आज सुबह से चला हुआ हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ मैं। रावणा फॉल गया, रावणा केव गया और उसके बाद यहाँ पर आया, लेकिन फिर भी यार इस जंगलों में घूमकर ये अलग ही एनर्जी आ रही है। कोई भी नहीं दिख रहा यार, ना आगे ना पीछे, अकेला ही चला जा रहा हूँ उसमें। ये बारिश की वजह से मुझे लग रहा है कम लोग हैं, नहीं तो अदरवाइज तो ये पूरा भरा होना चाहिए था। ये सबसे मेन टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है आगे। यहाँ से गिरा तो नीचे ही मिलूँगा सीधा, मिलूँगा कि भी नहीं मिलूँगा, बस आराम, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, बहुत बारिश हो रखी है ना इस चक्कर में। लोग वेट कर रहे हैं भाई ट्रेन का, पहुंच गए। ये देखो भाई एला का फेमस 9 आर ब्रिज। ये पहला व्यू यहाँ से 9 आर ब्रिज का। भाई पहुंच गए भाई, पहुंच गए, मजा आ गया, पहुंच गए भाई 9 आर ब्रिज पे पहुंच गए। यहाँ पर ये ऑटो वगैरह खड़े हुए, मैंने कहा था ना कि ऑटो वगैरह भी आते हैं लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और ट्रेन आएगी भाई इस टनल से, अपन चलते हैं उस तरफ, क्योंकि व्यू तो भैया सबसे बढ़िया उधर से ही आने वाला है। और ये देखो काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पर, और ये कॉटेजेस देखो यार क्या बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। टैरिफ तो बहुत ही ज़्यादा होगा कि भाई व्यू भी तो दे रहे हैं आपको वहाँ से। ये है भाई 9 आर ब्रिज, ये ब्रिटिश एरा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। इसको 1923 में बनवाया था ब्रिटिशर्स ने। और ये सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अभी ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं। 4:30 बजे का टाइम है लगभग ट्रेन आने का। इस ब्रिज को 9 आर ब्रिज बताया क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें देखोगे ना तो ये 9 आर्क बने हुए हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसको 9 आर ब्रिज बोलते हैं। और इन आर्क के नीचे भाई इतने बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते हैं ना, कभी कभी अटैक भी कर देते हैं ये। एक यहाँ पर है श्रीलंका के मॉन्क आए हुए हैं, तो बता रहे हैं लास्ट ट्रेन 1:30 बजे आई थी, तो अभी ट्रेन लेट है, तो जब तक अपन चलो आगे चल करके आते हैं थोड़ा घूम के। भाई जो मॉन्क है ना वो फोटोग्राफर हैं, और वो एक ट्रेन का बढ़िया शॉट लेने आए हैं। तो भाई जब 1:30 बजे ट्रेन आई थी तो उन्होंने फ़ोटो लिया तो उसका शॉट ठीक नहीं आया, तो वो जब से खड़े ही हुए हैं वो ट्रेन का फ़ोटो लेने के लिए यार।
ये भी अलग ही पैशन है एक। अपर यार ये दीदी खड़ी है, बच्चा खड़ा है, नारियल बेच रहे हैं। बताओ यार ये कहाँ से तो आते होंगे, और अभी बारिश हो रहा है तो वापस कैसे जाएंगे यार, बहुत ही रिस्क पे जी रहे हैं ये भी। चलो भाई यार वापस चलें, रास्ते तो बड़े खूबसूरत है लेकिन यार कुछ है दिख नहीं रहा, आगे ट्रैक ही है खाली है। वापस चल के ट्रेन का वेट करते हैं। आ गई भाई ट्रेन, आ गई, सदियों का इंतजार खत्म हो गया, ट्रेन आ गई भाई। भाई वेट कर रहा था एक घंटे से, बारिश नहीं रुक रही यार, अब पूरा जंगल में से जाना है, तो मैं तो चल दिया वापस एला की तरफ, एला सिटी की तरफ निकल गया मैं, और जल्दी निकलता हूँ भाई, पूरा पूरा जंगल है ये, तो फालतू में जानवर वगैरह मिले उससे पहले ही क्रॉस कर लो उसको। ठीक है बारिश है तो नहीं, क्या करें, रुक ही नहीं रही इतनी देर हो गई। एला में बारिश होती है तो दो दो घंटे तक रुकती नहीं है, तो वेट करता रहा और अंधेरा हो गया तो निकल भी नहीं पाऊँगा यहाँ से, फिर टुक टुक करना पड़ेगा 1000-2000 रुपये का, तो भाई मैं तो निकल गया बारिश में ही। होटल जाके चेंज कर लेंगे पहले, पूरा अंधेरा होने लगा है, 6 बज गए रात के। आज बारिश ने बहुत ही समय ख़राब किया यार, कम से कम 4 घंटे बारिश के चक्कर में बैठा रहा, अब साला पूरा भीग जाऊँगा मैं। थैंक गॉड लाइट्स दिखने लगी यार, जंगल के बाहर आ गया, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, 4:30 बजे से वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का, 6:15 बज गए यार। आज तो इतनी बारिश थी ना, मतलब कि मैं 3 घंटे एक जगह पे खड़ा रहा, कि सुबह से जिस जगह पे भी जा रहा हूँ वहाँ पर साइट विजिट करने के बाद में लगभग 1 घंटे तक बारिश हो रही है, फिर वहाँ वेट करना पड़ रहा है। अभी तो 9 आर ब्रिज से निकला था तो 3 घंटे तक बारिश नहीं रुकी, मैं बारिश में भागता भागता आया। लेकिन यार श्रीलंका के लोग इतने बढ़िया हैं, तो जब मैं सुबह बस से रावणा के पे जा रहा था तो मेरे पास में छुट्टे नहीं थे, तो मेरे पास बैठे भाई ने मेरा किराया दे दिया, फिर मुझे बस ने थोड़ा आगे छोड़ दिया, तो मैं वापस पैदल आ रहा था, तो एक कपल मिला और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। और फाइनली अब जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था 3 घंटे तक 9 आर ब्रिज के पास में, तो एक दीदी आई, बोली कि मैं वहीं जा रही हूँ एला सिटी में, तो बैठ जाओ मेरे ऑटो में, मैं छोड़ दूँगी फ्री में। मतलब आज तो दिन तो मतलब ठीक अच्छा भी रहा और थोड़ा सा बारिश ने ख़राब भी किया, लेकिन सब साइट सीइंग कवर हो गई है, अपन ने कुछ छूटा नहीं है, बढ़िया से फोटो वीडियो बने, सब कुछ हुआ, और 9 आर ब्रिज पे अपने को ट्रेन भी देखने को मिल गई। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए फिर इस वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बने रहिए सीरीज़ के साथ।